इंडियन डांसर राघव जुयाल ने अब एक ऐसा काम किया है कि उनकी तारीफ के लिए हमारे पास शब्द ही नहीं बचे हैं। राघव अभी तक कोविड पेशेंट्स की हेल्प तो कर ही रहे थे, अपने उत्तराखंड को फिर से पहले जैसा उत्तराखंड बनाने में जुटे तो हुए ही थे, लेकिन अब राघव ने कुछ ऐसा किया जो कि बड़े बड़े न कर पाए। दरअसल एक बच्ची ने कोविड की वजह से अपने माता पिता को खो दिया था। उस बच्ची को भी कोविड हो गया था, वो भी अपने घर में बंद थी। आस पड़ोस के लोगों ने वॉलंटियर्स को फोन करके बताया कि वो बच्ची एक हफ्ते से अपने घर में बंद है और घर से बाहर नहीं निकली है, जिसके बाद वॉलंटियर्स उस बच्ची की मदद करने पहुंचे। देखा तो वो बच्ची अपने घर में बेहोश पड़ी थी। उस बच्ची को फौरन सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन जब उस बच्ची की हालत बद से बदतर हो गई, जब उसे वेंटिलेटर की जरूरत पड़ी तो उसे प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। बच्ची ने प्राइवेट हॉस्पिटल में ही दम तोड़ दिया। हॉस्पिटल वालों ने वॉलंटियर्स को शव देने से इनकार कर दिया और कहा कि पहले अस्पताल का बिल क्लियर करना होगा। जब वॉलंटियर्स ने उसके रिश्तेदारों को फोन किया तो रिश्तेदारों ने किसी भी तरीके की मदद करने से इनकार कर दिया। रिश्तेदारों ने अस्पताल में आने तक से इनकार कर दिया, जिसके बाद उन वॉलंटियर्स ने राघव जुयाल से बात की। राघव वॉलंटियर्स से बात करने के बाद न केवल अस्पताल पहुंचे, खुद अस्पताल आकर बिल क्लियर किया। इसके साथ साथ उन्होंने उस बच्ची के शव को उन वॉलंटियर्स को सौंपा भी और फिर उसको उसके धर्म के हिसाब से अंतिम विदाई दी गई। यकीनन उसकी रूह राघव की ओर देखकर मुस्कुराती होगी, उसकी रूह राघव पर दुआएं बरसाती होंगी। राघव जुयाल, आज हम निशब्द हो गए हैं, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि आप जो कर रहे हैं उसके लिए ये देश आपका आभारी रहेगा। फाइनल कॉट न्यूज डेस्क।